हेलो गाइस जी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं, देख सकते हैं इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि जिन भाई लोगों को नया टच की बैठता है या थ्री फेज मोटर या जो भी आईटीआई भी करते हैं, जिनको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है उसका कनेक्शन किस तरह से होता है, ठीक है, और इसमें तीन तार लगाए या छः तार लगाए, ठीक है, और कितने एचपी का मोटर लगाए, उसका कनेक्शन कैसे होता है, शटर कौन सा लगाए। देखिए यहाँ पर तो आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ लगा हुआ है हैंडल वाला, ठीक है, ये शटर होता है हैंडल वाला, लेकिन कई तरह के होता है, तीन तार वाला ही होता है, ये छः तार का है, ठीक है, ये छः तार का तार है, छः तार का शटर है, ठीक है, तीन तार इनपुट है और छः तार इसमें से आउट मोटर जाता है, ठीक है, लेकिन तीन तार वाला भी होता है जिसको बोलते हैं DUL, आप लोग को उसका कनेक्शन करना है तो भी मैंने वीडियो अवेलेबल कर दिया है। ये है हैंडल वाला स्टार्टर, ठीक है, इसको नाम इसका नाम होता है, ठीक है, इस पर लिखा होता है, ठीक है, देखिए मैनुअल ऑपरेटेड स्टार्टर मतलब हाथ से ऑपरेट करने वाला, ठीक है, तो इसका कनेक्शन अधिकतर आधा चक्की में तेल मिल में लगता है, तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है ये आज के वीडियो में आप लोग को मैं समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर इसका वायरिंग आप लोग को सामने अगर किया जाए तार ले लेकर, ठीक है, एक एक, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि इतना सारा तार हो जाता है कि आप भूल जाएगा कि कौन तार कहाँ जाता है, इसलिए इसको डायग्राम में समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ ये बक्सा है, ठीक है, इसमें सभी तार एक ही कलर के हैं, ठीक है, अगर आपके सामने अगर जुड़ा जाए ना तो शुरू से अंत तक में आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कौन तार कहाँ जुड़ना है, ठीक है, इसीलिए इसको आप चित्र से समझा के आपको बताऊँगा, और कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, समझे ना, तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें जो होता है मोटर से जो है ना छः तार आता है, ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिएगा आप गौर से, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे एक पद है, एक क्या कहते हैं टर्मिनल है, और एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ठीक है, इस सब का लाइन का तार है, ठीक है, तो तीन फेज दे देना है इस पर, और ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये मोटर का हो गया, ठीक है, ये दोनों मोटर का है, ये दोनों मोटर का है, ये दोनों मोटर का, ठीक है, तो अब ये कहाँ कहाँ का मोटर का है, ठीक है, और कौन कौन में कौन तार जुड़ाएगा ये आपको मैं थोड़ी देर में डायग्राम की हेल्प से समझाऊँगा, बढ़िया तरह समझाऊँगा, और मोटर में तार कहाँ कहाँ से निकलता है और कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, ये आपको बताऊँगा। देखिए ये इसका टर्मिनल प्लेट देख लीजिए गौर से, देख रहे हैं ना, तो ये आपको बताया जाएगा अभी तुरंत। देखिए भाई लोग, तो इस तरह से स्टार्टर होता है थ्री फेज मोटर का, ठीक है, जिसको हैंडल वाला बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए यही हैंडल है, ठीक है, यही नीचे पहले करते हैं फिर ऊपर करते हैं, ठीक है, तो इसका फंक्शन आप लोग देख लिए, आपको मैंने पहले बता दिया हूँ, अभी आपको मैं कनेक्शन करके दिखाऊँगा, वीडियो अधिक लंबा ना हो पाए इसलिए जल्दी बताऊँगा, ठीक है, तो समझा के बताऊँगा लेकिन, ठीक है, तो देखिए ये स्टार्टर हुआ, ठीक है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हैंडल, ठीक है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हैंडल को पहले नीचे करते हैं फिर ऊपर करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाता है मोटर, ठीक है, तो देखिए अब इसको मैं कनेक्शन करके बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए तो आपका जो मोटर होगा, ठीक है, तो मोटर पर आपका जो होता है छः टर्मिनल होता है, ठीक है, देखिए जैसे एक हो गया, ये दो तीन चार पाँच छः, इस प्रकार छः टर्मिनल होता है, ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है, तो इतना आप समझ लिए, लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है, देखिए तो ये होता है क्या कि कोना कोनी होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये U1 हुआ, ठीक है, U2 ये होगा, ठीक है, U2 ये होगा, अगर ये V1 हुआ, ठीक है, तो V2 ये होगा, ठीक है, उसके बाद अगर ये W1 हुआ तो ये W2 होगा, इतना बात आप समझ चुके हैं कैसे कैसे हमने बोला, ठीक है, तो इसको फिर से देख लीजिए कौन कौन किसका, तो मैंने U1 कहने का मतलब कि जिस कॉइल का ये वाइंडिंग का सिरा उसी कॉइल का ये कोना वाला होगा, फिर इसके कोना वाला ही होगा, इसका मतलब कि इसमें लाइन देंगे U1 में तो U2 में जाएगा, मतलब कि इसी वाइंडिंग का सिरा ये हुआ, माने पहला सिरा ये दूसरा सिरा, इतना समझ के चलिए, फिर आगे आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए गौर से, इतना समझ चुके हैं आप, तो आपको करना क्या है सो देखिए, आप देखिए गाइस, तो ये जो स्टार्टर आप देख रहे हैं आपके सामने जो स्टार्टर है पड़ा हुआ, ठीक है, इसमें थोड़ा एक मिनट जूम नहीं हो पा रहा है, देखिए ये आप स्टार्टर देख रहे हैं, देखिए तो इसमें होता क्या है कि एक जगह पर तीन पत्ती है, ठीक है, फिर एक जगह पर तीन पत्ती है, फिर एक जगह पर तीन पत्ती है, ठीक है, तो तीन पत्ती में से एक पत्ती जो पहला पत्ती है लाइन का पत्ती, इसी पहला पत्ती लाइन का, पहला पत्ती लाइन का, ठीक है, मतलब एक एक पत्ती शुरू वाला जो है L1, L2, L3 है, ठीक है, मतलब इसमें लाइन देना है इनपुट, और जो दो दो दोस्तों बच जाता है यहाँ पे, ये दो, ये हो गया मोटर का कनेक्शन का, ठीक है, तो मोटर का कनेक्शन है तो इसमें इजीली ये है कि जितना भी वन वाला आया है, ठीक है, सिरा वन वाला, वो बीच में जो बस गया आपका लाइन वाला के बाद, जैसे ये हो गया, ये फिर से मैं मिटा के बता रहा हूँ आपको, चलिए देखिए, तो ये आपका हो गया, जैसे अगर इसको मान लीजिए आप U1, ठीक है, U1 कर देते हैं, इसको दोस्तों आप V1 जोड़ देते हैं, इसको W1 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो U V W जोड़ दिए, और देखिए यहाँ 1 जोड़े हैं ना,
यू वन, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों यू वन, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों यू टू, ठीक है। यहाँ वी वन, तो यहाँ वी टू, ठीक है। यहाँ डब्लू वन, तो यहाँ डब्लू टू। चलिए आपको मैं समझाता हूँ किस प्रकार से जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए देखिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, देखिए देखिए पहले आप लोगों को मैं नामांकन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका देखिए एक ही मान लीजिए, अगर ये आपका यू वन है, ठीक है, ये वी वन है, ये डब्लू वन है, ठीक है। ये यू वन है तो ये आपका यू टू हो गया, ठीक है। ये वी वन है तो ये वी टू हो गया, डब्लू वन है डब्लू टू। इतना समझ गए आप, देखिए इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे, ठीक है। देखिए तो आप लोग को होता क्या है कि मोटर जो लेते हैं ना, ठीक है, मोटर में रहता है यू वन यू टू करके, स्टार्टर में ए वन ए टू। तो आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए तो ये आपका जो यू वन हुआ नीचे वाला, ठीक है, यू वन, इसको क्या करना है, रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए तो ये जो आपका यू वन हुआ, इसको जो आपका ये मोटर का जो होता है, ये देखिए आपको मैं बताया था थोड़ा देर पहले कि ये जो होता है फर्स्ट पत्ती, ये होता है आपका एल वन का। इसके बीच में जैसे यू वन यहाँ से उठा के लाना, तो इसको उठा के लाना है और इसको दोस्तों क्या करना है, ये बीच वाला में जोड़ देना है, ठीक है। यू वन हो गया और वी वन के उठा के लाना है इसको, ये इसको एक मिनट, ये बीच वाला जो हुआ इसको क्या करना है, ये बीच वाला के बीच वाला में जोड़ देना है, ठीक है। ये वी वन हो गया, अब बच गया डब्लू वन। डब्लू वन के डब्लू वन को आपको लाना है और इसको ये बीच वाला में जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको देखिए तीन तार जुड़ गया, ठीक है। ये साइड साइड वाला एक जो छोड़ दिया है वो लाइन का है, ठीक है। लाइन तीन फेज जोड़ देना है और इस प्रकार से यू वन वी वन और डब्लू वन को जोड़ दिया, ठीक है। अब बचा यू टू, यू टू, ठीक है, यू टू और माने कि यू टू वी टू और डब्लू टू, ठीक है। तो यू वन हुआ तो यू टू भी होगा ना, तो यू टू को जोड़ना है इसके सामने जहाँ गया है, जहाँ भी जहाँ यू भी वी वन गया है वहाँ यू टू जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसको उठाना है, ये यू टू वाला को, ठीक है, यू टू वाला को उठाना है। और एक मिनट मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं यू टू के उठा लिया यहाँ से, ठीक है। यू टू के उठाएंगे और यू टू देखिए यू वन यहाँ पर दिया है, ठीक है। यू वन यहाँ पर है तो यू टू आपके लेके आना है और यू टू आपके यहाँ पर दे देना है, ठीक है, जो बगल में खाली था। वी टू बचा तो वी टू के आपको लेके आना है और वी टू के आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और आपको बच गया डब्लू टू, डब्लू टू के लेके आना है और यहाँ जो खाली बचा है यहाँ इस पे दे देना है। इसी प्रकार से आपका मोटर का कनेक्शन हुआ। आप लोग बढ़िया है, समझ लिए। इस तरह से आप लोग को नहीं समझा जाता होगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो लंबा ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। ये कनेक्शन को आप लोग गौर से समझे, बढ़िया समझे और कनेक्शन करे। कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट करे, कमेंट ज़रूर करे दोस्तों, ठीक है। चलते चलिए, ख़त्म हो गया वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मैं मिलूँगा।